केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। अब संसदीय पैनल की ओर से इन बिलों की स्क्रूटनी की जाएगी और फिर ये तीनों बिल इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इसके बाद आईपीसी में 533 धाराएं कम हो जाएंगी, 133 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, 9 धाराओं को बदल दिया गया है। नए बिल में कई चीजों की बात है, लेकिन हम बात मॉब लिंचिंग की करेंगे, इसके नए प्रावधान की बात करेंगे। ये 3 बिल अभी पास नहीं हुए हैं, लेकिन इन विधेयकों से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। नए विधेयक में मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ा गया है, जिसके मुताबिक जब 5 या 5 से ज्यादा लोग एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करते हैं, तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत या कारावास से दंडित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा 7 साल और अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए थे। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर भविष्य में ये विधेयक पास हुए तो ये आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।